कहानी का शीर्षक है बामन की बेटी। कुछ दिन पूर्व ही हम अपने नए घर में आए थे। बस्ती अभी पूरी बसी नहीं थी। चारों तरफ लंबे चौड़े खाली प्लॉट पड़े थे। कहीं कहीं छोटी जाति वाले खटीक, धोबी, खाती आदि ने कच्चे पक्के मकान बनाकर जगह को घेरा हुआ था। हमारे घर को महल की संज्ञा दी जाती थी। हमने सुरक्षा की दृष्टि से अति सुदृढ़ मकान बनवाया था। कहीं से चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। इसीलिए हम निश्चिंत थे कि कुछ समय पश्चात और घर बस जाएंगे तो रौनक हो जाएगी। हमारे पिछवाड़े मुंडेर फांद कर धोबियों का घर था। एक दिन मैंने किसी कार्यवश पिछवाड़े का दरवाजा खोला तो देखा कि एक अति रूपवती युवती, करीब 20-22 की उम्र होगी, हमारे घर की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है। मैंने उसे मुंडेर के पास बुलाया। वो चारों तरफ सतर्कता से देखती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने चंपा बतलाया। उसने बताया कि मैं प्रतिदिन यहाँ आकर खड़ी होती हूँ कि कभी तो आप दरवाजा खोलेंगे ही। आपसे बातें करने की मेरी तीव्र इच्छा थी। मैं आपसे अपनी व्यथा बताकर हल्की होना चाह रही थी। मैं तो यहाँ घुट गई। युवती बड़ी ही सभ्यता और शालीनता से बात कर रही थी। इतनी सभ्यता इन निम्न वर्ग में तो संभव ही नहीं थी। मैंने कहा, तुम आज दिन में 3 बजे के करीब मेरे घर आना। अभी तो मुझे काम है, उस समय फुर्सत से बात करेंगे। उसने सहमति में सर हिलाया और मैं दरवाजा बंद करके अपने कार्य में व्यस्त हो गई। दिन में 3 बजे चंपा ने मुंडेर बांध कर पिछले दरवाजे पर ठक ठक की। मैंने नाम पूछकर दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। वो मेरे सामने फर्श पर ही बैठ गई और भाभी जी कहकर मुझे संबोधित करने लगी। मैंने पूछा, अब बताओ क्या बात है, तुम घुटन क्यों महसूस कर रही हो? उसने जवाब में अपनी कहानी सुनानी प्रारंभ की। चंपा ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के एक सुदूर कस्बे की रहने वाली है। वो उच्च कुलीन ब्राह्मण कन्या है। पिता पंडिताई का कार्य करते हैं। माँ यजमानों के यहाँ व्रत त्योहारों पर पूजा पाठ आदि कराती है। 2 छोटी बहनें व 1 भाई है। वो सबसे बड़ी है। करीब 6 महीने पहले उसकी एक सहेली का विवाह था। बारात जयपुर से गई थी। वो भी विवाह में सम्मिलित हुई थी, बल्कि यूं कहिए कि 2 दिन बराबर वहीं रही थी। उस विवाह में बंशी दूल्हे के मित्र की हैसियत से सम्मिलित हुआ था। बंशी रूप रंग कद काठी बनाव श्रृंगार में एकदम कामदेव का प्रतिरूप था। वो नामालूम कैसे प्रथम दृष्टि में ही चंपा के मन में समा गया। उधर चंपा भी चंचल व सुंदर थी और दुल्हन की घनिष्ठ सहेली होने के नाते साथ साथ ही लगी रहती थी। वो बंशी के मन को भा गई। दोनों तरफ से चहलबाजी होने लगी और घनिष्ठता बढ़ने लगी। दोनों ने एकांत ढूंढकर काफी बातें की। अब चंपा की ये हालत थी कि उसे चारों तरफ बंशी ही बंशी दिखाई देने लगा। दुल्हन को विदा करा के बारात तो चली गई, किंतु बंशी वहीं रुक गया। उसने एक छोटी सी धर्मशाला में अपना डेरा डाला और ये दोनों निर्जन जंगल में छुप छुप कर मिलने लगे। बंशी ने चंपा को अपने साथ भगा ले जाने की योजना बनाई और चंपा को सहमत कर लिया। चंपा ने आगे सुबकते हुए बताया कि भाभी जी, मुझे ना मालूम क्या हो गया था, मैं बिल्कुल बंशी के अधीन हो गई। वो जैसा कहता मैं वो सब करने को तैयार हो जाती थी। बिल्कुल संज्ञा शून्य हो गई थी। एक अंधेरी रात जब घर वाले सब सो रहे थे, मैं मूल्यवान जेवर व नकदी लेकर घर से निकल पड़ी। बाहर बंशी मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। लगभग ट्रेन का समय था। हम शीघ्रता से स्टेशन आ गए। टिकट पहले से लिए हुए थे। हम ट्रेन में बैठकर जयपुर आ गए। यहाँ आने पर बंशी ने घर वालों से कहा कि मैं विवाह करके बहू लाया हूँ, किंतु उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। बंशी ने मुझे बताया था कि वो जाति का यादव है, कृष्ण जी का वंशज। मुझे पता नहीं था कि वो धोबी है। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो उसने कुटिलता से मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, जाति पाति में क्या रखा है, हूँ तो मैं बंशी ही ना। अब यहाँ से मेरी दुर्दशा होनी शुरू हो गई। सर्वप्रथम तो मेरा खान पान इन लोगों से बिल्कुल अलग था। हम ब्राह्मण हैं, हमारे घर में तो प्याज लहसुन तक नहीं आता था,
और इनके यहाँ बिना प्याज लहसुन के खाना बनता ही नहीं था। और जब कभी सुअर का मांस बनता था तो मेरी चिंता का ठिकाना नहीं रहता था। उस दिन मैं सारा दिन भूखी रहती थी। एक दिन तो मेरी तथाकथित सास ने मेरी थाली में मांस का शोरबा छुपाकर मिला दिया और बाद में कहने लगी कि मैं भी देखूंगी तू कब तक नहीं खाएगी। घर में सब मुझे बामन की बेटी कहकर पुकारते थे। ये सच ही कहा है किसी ने कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। लौट कर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। सारे रास्ते में स्वयं ही बंद कर आई थी। घर वाले ही मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। और अब बंशी भी धीरे धीरे बदल रहा है। भाभी जी बताइए मैं क्या करूं। मैं चुपचाप उसकी कहानी सुन रही थी। ऐसी गुमराह और घर से भागी हुई लड़कियों का यही हाल होता है। लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और सोचते हैं कि अब ये जाएगी कहाँ, झक मार कर यही एडजस्ट करेगी। उस दिन तो वो अपनी कहानी सुनाकर चली गई। 8-10 दिन पश्चात फिर 3 बजे के करीब पिछले दरवाजे पर ठक ठक हुई। मैंने दरवाजा खोलकर देखा और सहानुभूतिवश उसे अंदर बुला लिया। पर ये क्या, उसका सारा बदन सूजा हुआ था। चेहरे व गर्दन पर भी नील पड़े थे। उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया था। मैंने पूछा, तुझे क्या हुआ? तो वो बुरी तरह फफक कर रो पड़ी। उसने बताया, पिछले रविवार को बंशी के पिताजी ने उसे एक शादी में सम्मिलित होने के लिए जोधपुर भेज दिया और रात को 2 बजे के करीब मेरी कोठरी का दरवाजा खटखटाया। मैंने सोचा पता नहीं कौन है। दरवाजा खोलते ही उसने मुझे दबोच लिया। मैंने उसे बड़ी जोर का धक्का दिया और बाहर की तरफ भागी। रात अंधेरी थी। वो टॉर्च लेकर मुझे ढूंढने लगा। मैं किसी तरह आपकी मुंडेर फांद कर आपकी तरफ चिपक कर बैठ गई। वो टॉर्च मार मार कर सारे मैदान में देखता रहा। थक कर अंदर जाते हुए बड़बड़ा कर बोला, हराम जादी हाथ से निकल गई, पता नहीं किस यार के साथ भाग गई। दिन निकलने पर मैंने घर में प्रवेश किया तो सास लाल पीली हो रही थी। कमर पर 2-3 मुक्के मारे और खूब गालियां बकी। मैं खामोशी से सब सुनती रही। अगले दिन जब बंशी आया तो उसके माता पिता दोनों ने मेरी खूब शिकायतें की और कहा कि तेरे जाते ही ये अपने किसी यार के साथ भाग गई, अब 2 दिन बाद आई है। बंशी का पारा 7वें आसमान पर था। उसने सोचा कि मैं चरित्रहीन हूँ तो किसी के भी साथ भाग सकती हूँ। उस समय तो वो पता नहीं क्या सोचकर 2-4 लात घूंसे लगाकर ही चुप हो गया और मन ही मन योजना बनाने लगा। दूसरे दिन करीब 4 व्यक्तियों ने रात को दरवाजा खटखटाया। बंशी ने दरवाजा खोलकर उनको अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर लिया। उनमें से एक व्यक्ति बोला, यार पहले माल तो दिखा, पैसे तो तूने घने लिए हैं, पर कोई बात नहीं, अगर माल चोखा हुआ तो सब वसूल हो जाएगा। अब मेरी समझ में आया कि बंशी चुप क्यों था। उसका मेरे से मन भर गया था और वो मेरे द्वारा धन कमाना चाह रहा था। आज तो तू फंसी चंपा, निकल भागने का भी अवसर नहीं था। हे भगवान मेरी रक्षा करना। किंतु भगवान भी कैसे रक्षा करते, 4-4 यमदूत थे। मैंने वश चलते खूब विरोध किया, हाथ पैर मारे। उनमें से एक को तो बुरी तरह काट लिया। फिर तो उन सब ने मिलकर मेरी वो दुर्दशा की कि वर्णन से बाहर है। साड़ी व नाड़े से मेरे हाथ पैर बांध दिए, कुत्ते की तरह मुझे नोच डाला। बंशी कमरे के बाहर चबूतरे पर बिस्तर बिछाकर सो रहा था। चंपा की दुख भरी दास्तान सुनकर मुझे भी दुख तो बहुत हुआ, किंतु मैं क्या कर सकती थी, विवश थी। मैंने अपने पति से इस विषय पर बात की तो वो एकदम नाराज हो गए। कहने लगे, देखो तुम इन सब पचड़े में मत पड़ो, ये लोग संख्या में बहुत ज्यादा हैं। वैसे चाहे आपस में लड़ मरे किंतु वक्त आने पर एक हो जाते हैं। अपना यहाँ कोई नहीं है, अगर ये दुश्मन बन गए तो जान के लाले पड़ जाएंगे। तुम्हें याद नहीं है क्या, जब पड़ोसी का 4 साल का बच्चा खो गया था तो कैसे 100 से भी ज्यादा व्यक्ति जमा हो गए थे। अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो ख्याल करो। मुझे याद आया, पड़ोसी का 4 साल का बेटा देवू स्कूल जाने से बहुत घबराता था। एक दिन वो स्कूल न जाना पड़े इसीलिए प्रेस के कपड़ों के ढेर में टेबल के नीचे छुप गया। थोड़ी देर में उसे वहीं पर नींद आ गई। घर में ढूंढ पुकार हो गई कि देवू कहाँ है। पूरा घर छान मारा, एक एक रिश्तेदार को फोन कर लिए, लोग इकट्ठे हो गए।
कोई यहाँ भाग रहा था तो कोई वहां जा रहा था। थाने में रिपोर्ट कर दी गई कि बच्चे का अपहरण हो गया। मुझे एक घटना याद आई कि कुछ बच्चों ने खेलते खेलते एक छोटे बच्चे को फ्रिज में छुपा दिया था। मैं देवू के घर गई और सब संभावित स्थानों पर देव को ढूंढने का प्रयास किया। मैंने कहा, इन कपड़ों के ढेर में भी देख लेते हैं। सबने मुझे अजीब निगाहों से देखा, किंतु मैं नहीं मानी और कपड़े हटाती चली गई। कपड़ों के नीचे देवू जी सो रहे थे। सबने प्रशंसा करते हुए कहा, आखिर बहन जी की ही अक्कल काम आई, गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मैंने सोचा, मेरे पति ठीक ही कह रहे हैं, इन लोगों से दुश्मनी करके हमारी जिंदगी हराम हो जाएगी। काम ऐसा करना चाहिए सो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अब चंपा के साथ हर दूसरे तीसरे दिन यही घटना दोहराई जा रही थी और वो रो रो कर मुझसे सहायता की भीख मांग रही थी। बंशी को खून मुंह लग चुका था। उसने चंपा को अपनी आमदनी का स्रोत बना लिया था। बहुत सोचने पर मुझे अपनी बचपन की सखी मधु का ख्याल आया। वो आजकल नारी निकेतन की संचालिका का कार्य देख रही थी। मैंने उससे फोन पर बात की और चंपा के विषय में सब कुछ बताया। उसने आश्वासन देते हुए कहा कि नारी निकेतन तो है ही भूली भटकी और गुमराह महिलाओं की शरण स्थली, तुम निश्चिंत होकर उसे यहाँ भेज दो। यहाँ अंदर पुरुषों का आना निषिद्ध है, ऑफिस तक ही आ सकते हैं, कोई चंपा की परछाई को भी नहीं छू सकेगा। मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और चंपा को सारी बात समझाई। वो तो मेरे पांव पकड़कर लिपट गई और कहने लगी, भाभी जी, मेरे लिए तो आप भगवान हो, आपने मेरा उद्धार कर दिया, ये तो मेरा दूसरा जन्म होगा, मैं इस नरक से छुटकारा पाकर कहीं भी जाने को तैयार हूँ। मैंने उसे पता लिखा कागज दिया और कुछ रुपए दिए और कहा, कल दोपहर 3 बजे जब घर में कोई नहीं होता निकल जाना और आत्मविश्वास पूर्वक ऑटो में बैठकर उसे पता बताकर पहुंच जाना। पहुंचकर मधु जी से मुझे फोन करवा देना। उसने ऐसा ही किया। यहाँ सारे में शोर हो रहा था, चंपा भाग गई, चंपा भाग गई। मैंने मन में सोचा, भटके हुए राही को किनारा मिल गया, अब आगे उसकी तकदीर। मेरे से जो बन पड़ा मैंने किया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी।